हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको बताएंगे कि कैसे बिना किसी प्रूफ के या किसी डिटेल्स के किसी का इंस्टा आईडी कैसे खोजा जाता है, या फिर किसी का मोबाइल नंबर पता हो या उसका नाम भी पता नहीं रहेगा या मोबाइल नंबर भी पता नहीं रहेगा फिर भी उसका इंस्टा आईडी कैसे खोज सकते हैं इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो उसके लिए फ्रेंड्स सिंपल सा ट्रिक है आपको हम बता रहे हैं। बस उसका ये पता रहना चाहिए कि वो कहाँ पर रहता है, वो वाला लोकेशन अगर पता रहेगा तो आप उसका इंस्टा आईडी खोज सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, जिसका भी इंस्टा आईडी खोजना होगा बस यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा, उसका लोकेशन सर्च कर दीजिएगा कहाँ पर आता है, उसका लोकेशन सर्च कर दीजिए। जैसे हम अभी फ्रेंड्स रांची में हैं, तो रांची का कुछ लोकेशन यहाँ पर सर्च करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे हम रांची का लोकेशन कुछ सर्च किए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद यहाँ पर एक आता है पैलेस का ऑप्शन आता है। और दो तरीका है, पहला वाला तरीका से आप आसानी से खोज सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही वाला पहला तरीका है, यहाँ से हम पैलेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पहला वाला जो है रांची झारखंड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। रांची झारखंड पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पूरा रांची का दिखलाएगा कि यहाँ पर इतना आदमी सब इंस्टा आईडी चलाता है, ये सब दिखलाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमको कोई भी एक करेंट लोकेशन का किसी का इंस्टा आईडी खोजना। जैसे हमको रांची में एक जगह है हरमू जगह है, तो हरमू के लिए हम चाहेंगे कि कोई इंस्टा आईडी यहाँ पर खोजा जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स जहाँ का भी आपको खोजना होगा उसके लिए आपको यहाँ पर लोकेशन खोज लेना है, जहाँ पर आपको खोजना है। यहाँ पर देखिएगा ये सब जगह का नाम है, आप लोग यहाँ पर जगह का नाम देख लीजिएगा। ये सब इंस्टा आईडी सब यूजर है, ये सब जितना भी दिखला रहा है सारा आदमी इस जगह पर इंस्टा आईडी चला रहा है। यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ का पूरा जगह का इंस्टा आईडी दिखलाने लगेगा कि यहाँ का आदमी इतना दूर में आदमी कौन कौन चला रहा है, इसको दिखलाने लगा। तो इस पर ऊपर वाला पर क्लिक करते हैं, सर्च दिस एरिया पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सर्च दिस एरिया पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ का आईडी दिखलाने लगेगा। जूम करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा अंदर जाकर जूम करते और फिर से यहाँ पर करते हैं सर्च दिस लोकेशन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ पर का भी आपको खोलना होगा वहाँ का बस आपको जूम करना है और सर्च दिस लोकेशन करना है। अब जैसे फ्रेंड्स सर्च दिस लोकेशन कर दिए, अब किसी का भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक कोई भी लोकेशन बतला रहा है, कोई खोज का लोकेशन। जैसे फ्रेंड्स ये हो गया रांची हो गया, अब हमको खोजना है रांची के बाद फ्रेंड्स हमको खोजना यहाँ पर हरमू है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हरमू है यहाँ का हम सर्च दिस एरिया पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स हरमू का यहाँ पर लोकेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए किसी का भी एक डीपी है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर फ्रेंड्स डीपी पर क्लिक किए, अब यहाँ पर जो भी यूज करता होगा उसका पोस्ट यहाँ पर दिखलाने लगेगा। इसका जैसे श्वेता दिखलाया, श्वेता से रिलेटेड इसका श्वेता वाला आईडी है, इंस्टा आईडी दिखलाने लगा। रिसेंट पोस्ट में दिखलाएगा कौन कौन नया पोस्ट डाला गया, इससे पता चलता है कि आपको ये एक्टिव रहता है या नहीं। रिसेंट पोस्ट में अगर ज़्यादा दिन का है तो समझिए इंस्टा आईडी आप अभी क्लोज करके रखा हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा और जूम करके करेंगे सर्च दिस एरिया तो फ्रेंड यहाँ से और भी आ गया। यहाँ से किसी का भी इंस्टा आईडी बस फ्रेंड्स आप यहाँ से मैप के सहायता से आप बस यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जितना जूम करेगा उतना ज़्यादा सारा का इंस्टा आईडी आ जाएगा। किसी का भी इंस्टा आईडी खोजना होगा बस इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से खोज सकते हैं किसी का भी इंस्टा आईडी। किसी का खोजना होगा जैसे फ्रेंड्स एक और दिखला देते हैं, जैसे यहाँ पर हमको ये वाला खोजना है, ये वाला कोई एरिया है। अब इस एरिया को जो भी टैग किया होगा इसके माध्यम से हमको दिखलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड आर्ट्स है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए ग्रैंड आर्ट्स को सिलेक्ट, ग्रैंड आर्ट्स एरिया में ये सब चला रहा है। तो इससे भी खोज सकते हैं। और एक दूसरा है जिससे मतलब पहला वाला ट्रिक बिल्कुल काम करेगा, दूसरा वाला ट्रिक है जो हो सकता है अगर उस लोकेशन के माध्यम से वो पोस्ट नहीं डाला हो तो नहीं भी मिल सकता है, लेकिन पहला वाला से आपको पूरा मिल जाएगा। जो अभी बताया उस ट्रिक से आपको मिल ही सकता है। अब यहाँ से जैसे हम रांची टैग किए, अब रांची से फ्रेंड्स टैग्स लगा होगा रांची वाला से तो मिल सकता है, अगर नहीं लगा होगा ये वाला जो हैशटैग वाला लगा होगा टैग लगाया होगा तभी वो, अगर वो हैशटैग नहीं यूज करता होगा तो आप नहीं खोज सकते उसका आईडी।
अगर आप हैशटैग वो यूज करता होगा तो उसका इंस्टा आईडी मिल सकता है। अगर हैशटैग नहीं यूज करता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, पैलेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका इंस्टा आईडी लोकेशन के माध्यम से खोज सकते हैं, लोकेशन के माध्यम से उसका इंस्टा आईडी खोज सकते हैं। फ्रेंड्स जिस भी लोकेशन का खोजना होगा उस पर बस क्लिक कर दीजिएगा, या फिर मैप में कोई भी एक लोकेशन ले लीजिए, उस मैप में उसका लोकेशन खोज लीजिए, ऐसे स्क्रॉल करके मैप में उसका लोकेशन खोज लीजिए। फ्रेंड्स इससे इसके माध्यम से आप किसी का भी इंस्टा आईडी खोज सकते हैं। ये वाला ट्रिक हमको लगता है आप सबको नहीं पता होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, इंस्टा आईडी फॉलो करना होगा तो इंस्टा आईडी फॉलो कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इंस्टा फॉलोअर्स या फिर कुछ सर्विस बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स अगर लेना होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।